नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है और कहा जा रहा है कि खेलेगा इंडिया तभी खेलेगा इंडिया। वैसे देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देश का नाम रोशन करने में सबसे बड़ी भूमिका खिलाड़ियों की ही होती है। खेल भविष्य बनाने के साथ साथ शरीर को तंदुरुस्त रखने का भी सबसे अच्छा तरीका है। भारत सरकार लगातार खेलों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, मगर सवाल एक बनता है, क्या खिलाड़ी ऐसे ही बन जाते हैं? एक मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए भी दो कुशल हाथों की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से एक खिलाड़ी को हर प्रकार से तैयार करने के पीछे उसके शिक्षक की अहम भूमिका होती है। पर क्या सरकार इन शिक्षकों पर ध्यान दे रही है? नहीं, क्योंकि हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया को अभी भी चालू नहीं किया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अनुदेशकों की भर्ती की गई। खेल पर विशेष जोर देते हुए खेल अनुदेशक भी रखे गए। जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या 100 से अधिक है, वहां अनुदेशकों की भर्ती की गई। वहां खेल संबंधी गतिविधियां भी बढ़ी और बच्चों ने खेलों में उत्तम प्रदर्शन भी किया। पर अभी भी बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर खेल अनुदेशक नहीं है। साथ ही साथ वो विद्यालय भी हैं जहां पर छात्र संख्या 100 से कम है, वहां भी खेल अनुदेशकों की भर्ती नहीं की गई। तो क्या 100 बच्चों की संख्या कम होने में उन बच्चों का कोई दोष है? क्या उन्हें एक अच्छा खेल शिक्षक नहीं मिलना चाहिए? क्या उनकी प्रतिभा को उजागर नहीं करना चाहिए? अब देश में समानता का अधिकार है। अगर समानता का अधिकार है तो हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा का भी अधिकार है। एक अच्छे खेल शिक्षक के रूप में अनुदेशक सर्वोत्तम विकल्प है। बावजूद इसके प्रदेश की सरकार ने अभी तक 32,022 खेल अनुदेशक प्रक्रिया अटका रखी है, जिसे प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं चालू ही नहीं करना चाह रही है। इस भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म से लेकर काउंसलिंग डेट तक सब आ चुकी थी। बीएड, डीपीएड, सीपीएड, डिग्रीधारी बेरोजगार नौकरी पाने के अच्छे अच्छे सपने भी देखने लगे थे, लेकिन काउंसलिंग से ठीक पहले चुनाव आ गए, प्रदेश में सरकार बदल गई। सरकार के बदलते ही यह प्रक्रिया जैसे अधर में ही अटक गई और लाखों नौजवान इस आस में अभी भी बैठे हैं कि शायद सरकार उनके बारे में सोचेगी और इन भर्तियों को दोबारा चालू करेगी। हम आपको बता दें कि साल 2016 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज 4 साल बीत जाने के बाद भी यह वहीं की वहीं अटकी हुई है। कई बेरोजगार युवा इस आस में बैठे हैं और बहुत से तो अपनी अधिकतम आयु सीमा को भी पार कर चुके हैं। जहां सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ 32,022 खेल अनुदेशक भर्ती को लटका कर खेल सिखाने वालों के साथ ये कैसा मजाक किया जा रहा है। सरकार को अब जल्द से जल्द इन भर्ती प्रक्रियाओं को चालू करके उन लाखों बेरोजगारों और उच्च शिक्षा लिए युवाओं की जिंदगी में उत्साह भरना चाहिए, ताकि वो विद्यालयों में बच्चों की प्रतिभा को सामने लाकर प्रदेश का, सरकार का और पूरे देश का नाम ऊंचा कर सकें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।